नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है कच्चे केले के कोफ्ते बनाने की। आज मैंने कोफ्ते बहुत ही अलग तरह से बनाए हैं, जिससे कि बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आसानी से बन भी जाएंगे। पूड़ी और पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो के बीच बीच में मैंने टिप्स और ट्रिक्स भी दिए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कच्चे केले के कोफ्ते की ये आसान सी रेसिपी। केले के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ये कच्चे केले लिए हैं, तो इनको अब हम छील लेंगे। इनको मैंने उबाला नहीं है, मैं कच्चे में छील रही हूँ इनको। केले हमने छील के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक दूसरी प्लेट ले लेते हैं, कोई भी बर्तन ले लेंगे। और यहाँ पर हमने कद्दूकस ले लिया है, तो इन केलों को अब हम फटाफट से कद्दूकस कर लेंगे, नहीं तो ये काले होते चले जाएंगे। केले हमने अपने सारे कद्दूकस कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसी के साथ में हम इन आलुओं को भी कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। हमने आलू भी कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा नमक, बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चौथाई चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे दो चम्मच बेसन। बेसन आप बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें बस इसको बाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है। इसको हम एकदम बारीक कट कर लेंगे। प्याज को हमने एकदम बारीक कट कर लिया है, तो इस प्याज को भी हम इसी मिक्सर में मिला देंगे। और सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ही मिक्सर हमें थोड़ा सा लूज दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम एक चम्मच के लगभग बेसन और ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्सर हमारा रेडी है कोफ्ते बनाने के लिए। एक कढ़ाई में ऑयल हमने पहले ही गरम करने रख दिया था। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए कोफ्ते बनाने के लिए। हाथ को हमने थोड़ा सा चिकना कर लिया था। अब आपको जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं उस साइज़ के हम कोफ्ते बनाते हुए इन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए कोफ्ते बनाने के लिए। एक बार ऑयल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लें। अगर स्टार्टिंग में ही आप गैस की फ्लेम कम रखेंगे तो जो कोफ्ते होंगे वो ज़्यादा तेल सोखेंगे, तो जितने आसानी से एक बार में आ जाएंगे उतने कोफ्ते हम डालेंगे। कोफ्तों को एक साइड हम पहले थोड़ा सा सिकने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। जैसे ही कोफ्ते एक साइड हल्के से सिक जाएंगे हम इनको पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। कोफ्तों को अच्छे से सेकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोफ्तों को अच्छे से नहीं फ्राई करेंगे और इन्हें आधा फ्राई किए हुए ही निकाल लेंगे तो ग्रेवी में डालने के बाद ये टाइट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोफ्तों को आप अच्छे से सेक लें। एक बार और हम कोफ्तों को पलट लेंगे और इनको हम सुनहरा होने तक पलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए कोफ्ते हमने सुनहरे होने तक पलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन कोफ्तों को निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए कोफ्ते भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसको गैस पर रख दिया है, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको भी डाल देंगे। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा और दो हरी इलायची, इनको डाल के हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
हमने जो साबुत खड़े मसाले लिए थे इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इनको पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। ये खड़े मसाले ठंडे होंगे तो इनको हम दरदरा पीस लेंगे। जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी कढ़ाई को दोबारा से हमने ले लिया है। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया है, 1.5 बड़े चम्मच हमने ऑयल इसमें रहने दिया है। तो इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कली ली थी और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया था। इसको मैंने मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, तो इसको डाल देंगे और इसको हम कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली थी, इनको भी मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था। तो अब इस प्याज के पेस्ट को भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट की हुई ली हैं, तो इनको भी डाल देंगे। साथ में ही हमने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसमें मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, तो ये भी हम डाल देते हैं। हमने जो साबुत मसाले ड्राई रोस्ट किए थे उनको दरदरा पीस लिया है इस तरह से, तो इन मसालों को भी हम डाल देंगे। कुछ सेकंड्स फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था, तो इन टमाटरों को भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। साथ में ही मैं डाल दूंगी इसमें 1 पिंच के लगभग नमक। गैस की फ्लेम हम हाई और मीडियम रखेंगे और टमाटरों को हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं और मसाले से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में एक उबाल आ गया है तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने जब टमाटर पकाए थे उस समय भी ऐड किया था, थोड़ा सा नमक हमने कोफ्तों में भी ऐड किया है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक हम ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर 1/2 चम्मच हम आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट और कुक करेंगे। ग्रेवी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर। एक बार और हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते जो हमने सेक के तैयार किए थे। मिक्स कर लेंगे कोफ्तों को ग्रेवी के साथ में और 2 मिनट इनको लो फ्लेम पर अब हम और कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कच्चे केले की कोफ्ते की रेसिपी बनके तैयार है। इसको मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आज मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। पूरी और पराठे के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।